पूर्वी दिल्ली में नहीं मिल रही मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं, एक महीने से मरीज भटक रहे टेस्ट के लिए, ना ही कोई नोटिस है और ना ही कोई गार्ड। ज्योतिनगर में बदमाशों ने रास्ते में रोककर महिला को झांसे में लेकर ठगे कान के कुंडल, कुंडल लेकर मौके से हुए फरार, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। गाजीपुर स्लॉटर हाउस में मीट सप्लाई हो सकती है बंद, कारोबारियों का कहना है एमसीडी की लापरवाही से भुगतना पड़ रहा खामियाजा, रोजगार की बढ़ेगी काफी दिक्कत। मधुविहार में ब्लिंकिट कंपनी पर लगा जीएसटी चोरी करने का आरोप, डिलीवरी राइडर्स की ऑर्डर आईडी को कंपनी ने किया ब्लॉक, डिलीवरी बॉय ने किया थाने पर जमकर नारेबाजी। पूर्वी दिल्ली के रैन बसेरों में लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं, खाने और सोने के अलावा रैन बसेरे का हाल बेहाल, बढ़ती ठंड के बीच लोगों को नहीं मिल रहा गर्म पानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे क्लिनिक हैं जहां कोई भी आसानी से इलाज करवा सकता है। अब नए साल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों पर बड़ा तोहफा देने का ऐलान करते हुए बताया था कि अब दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में ये टेस्ट मुफ्त होंगे, लेकिन दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के असल में हालात क्या हैं और क्या कुछ सुविधाएं हैं लोगों को मिल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली वासियों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के इस बेहद अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अभी तक 212 तरह के टेस्ट मुफ्त हो रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नई घोषणा के बाद इस योजना का लाभ दिल्ली के सभी नागरिकों को मिलेगा। लेकिन दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति असल में कैसी है, इस बात से शायद आप भी अनजान होंगे, क्योंकि जहां सीएम केजरीवाल दिल्ली में 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली में कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जहां पिछले तकरीबन 1 महीने से कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है, जिससे लोग बाहर से टेस्ट करवा रहे हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही उन्हें बाहर से टेस्ट करवाने में पैसे लगाने पड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भारी असर डाल रहा है। अब जहां एक और कई मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा क्लिनिक है जो पिछले 4-5 महीने से बंद है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहां हर रोज़ तकरीबन 20 से 30 लोग आते हैं और आसपास के लोगों से जानकारी लेते हैं, लेकिन खाली हाथ ही लौट जाते हैं। यहाँ पे दवाई का पता करने आई थी मैं, लेकिन ये बंद है। होते हैं यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छी दवाई मिलती है यहाँ। जांच वगैरह? हाँ जी, सब कुछ होता है। कितने टाइम से ये 2-3 महीने से बंद है? पैसे भी लगेंगे, टाइम भी खराब होगा। यहाँ थोड़ा सा पास नहीं पड़ता, यहीं से ले लेते हैं, टेस्ट वगैरह करवा लेते। ये करीब करीब 4 महीने हो गए इसको बंद हुए। टेस्ट वगैरह होते थे, फिर उसके बाद में जो बंद हो गया। अब देखो, इसके बारे में तो हमें पता नहीं क्यों बंद हुआ है। प्राइवेट ही जाना पड़ता है, अब यहाँ जब है नहीं आस पास में तो भटकना पड़ता है इधर उधर जाके, या फिर उधर जाना पड़ता कसौरा नगर। उधर का तो पता ही नहीं मैम, बाकी इधर तो होते थे। देखो, आने जाने में दिक्कत होती, पैसा नहीं होता भाई, टाइम पे तो परेशानी तो होती है, सारी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब खुला ही नहीं है तो आते हैं जाते हैं, फिर इधर उधर भागना पड़ता। बहुत दिक्कत हो रही है, जहाँ पे आते हैं कई बार 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, 11 बजे तक बैठे रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि बंद हो चुका है। जानकारी नहीं मिली उनको, यहाँ कोई बोल लगा हुआ नहीं, कुछ नहीं। कई बार हमें खुद कम से कम 2-3 हफ्ते बाद जाके पता लगा। लाइट अक्सर ऐसे चलती रहती है, लाइट तो अंदर भी बाहर भी लाइट तो चल रही है। हाँ नहीं, अंदर का तो पता नहीं, लेकिन बाहर का तो हम कह सकते हैं कि चल रहा है। नहीं, मैं इतने करीब हम कभी गए नहीं। साथ ही यहाँ ना कोई नोटिस है, ना ही गार्ड जो कि जानकारी दे सके। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ की लाइट्स, पंखे सब चालू हैं। ऐसा लगता है जैसे असल में फ्री बिजली यहीं दी जा रही है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बदमाशों ने एक महिला से उसके कुंडल ठग लिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित सुनीता की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि वारदात के वक्त सुनीता घर के पास वाले बाजार से सामान लेने जा रही थी। रास्ते में आते वक्त दो युवक ने उसे रोका और कहा कि हम गहनों की सफाई करते हैं। आपको बता दें कि पीड़िता उनके झांसे में आ गई और उसने अपने कान के कुंडल उतार कर उन्हें सफाई करने के लिए दे दिए। बाद में पता चला कि बदमाश कान के कुंडल लेकर फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। गाजीपुर स्लॉटर हाउस से मीट सप्लाई एक बार फिर से बंद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेश के बाद 3 महीने बाद भी स्लॉटर हाउस में पशुओं से निकलने वाले अपच खाद्य पदार्थों को ट्रीट करने के लिए ना तो इंजेक्टर प्लांट बना है और ना ही वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए आरओ और साथ ही नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है। ऐसे में जब हमने वहां के कारोबारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि एनजीटी ने भी पहले भी स्लॉटर हाउस बंद करा दिए थे, तब भी हमें इसका कारण पता नहीं चला था। एमसीडी की लापरवाही का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इस बार भी अगर स्लॉटर हाउस बंद हुए तो फिर से हमें रोजगार की काफी दिक्कत होगी और हम फिर से भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। कि जो इससे पहले भी एनजीटी ने ये स्लॉटर हाउस को बंद किया था उसके अंदर हमारी जानकारी में कोई भी चीज़ नहीं थी और ये ऑल ऑफ ए सडन जो है स्लॉटर हाउस बंद कर दिया गया, जिसके बारे में हमें ये पता लगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका जो एक प्लांट होता है वो इन्होंने एमसीडी ने नहीं लगाया, जिसके करके जो है लीजी और इनको जो है दिक्कत हुई। और दिक्कत इनके एनजीटी ने तो ये बंद कर दिया, लेकिन ये जो मामला है ये हज़ारों लोगों का व्यवसाय जो है इसके साथ बंधा हुआ है और इससे पहले भी लोग बहुत बेरोज़गार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एमसीडी होगी और जिसका जो है परिणाम जो है हमें पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। हम जो यहाँ पर आए हैं एमसीडी के थ्रू यहाँ पर आए, इससे पहले हम ईदगाह स्लॉटर हाउस पे थे, वहाँ इस तरह का कोई मैटर नहीं था। जब हमें यहाँ पे लाया गया तो हमें ये कहकर लाया गया कि ये अल्ट्रा मॉडर्न स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर आपको किसी की दिक्कत नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी आपको। अब यहाँ आने के बाद हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं कि इस तरह इसके अंदर बहुत सारी लैकिंग है, बहुत सारी कमियाँ हैं, तो इसके लिए मुकम्मल तौर के ऊपर जो जिम्मेदार होगा एमसीडी होगी। तब अगर स्लॉटर हाउस बंद होता है तो इससे लाखों आदमी जो है बेरोजगारी के कगार पे पहुँच जाएगा, भुखमरी के कगार पे पहुँच जाएगा। और ये स्लॉटर हाउस बंद होने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, असली जिम्मेदारी ये कॉरपोरेशन की है। जैसा गुलफाम भाई ने बताया कि भाई हमको वहाँ से कहकर लाया गया था कि आपको अल्ट्रा मॉडर्न स्लॉटर हाउस बना के दिया जाएगा, अगर उसके अंदर कुछ कमियाँ हैं तो वो जिम्मेदारी हमारी थोड़ी, और 12 साल में वो कमियाँ दूर क्यों नहीं हुई और हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है उसमें बार बार हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें बंद कर दो। तो भाई ये इसके कॉर्पोरेशन इस बारे में क्यों नहीं सोचती और कंसर्न अथॉरिटीज़ इस बारे में क्यों नहीं एक्शन लेती कि वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जब कोर्ट के ऑर्डर से अल्ट्रा मॉडर्न स्लॉटर हाउस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया, उस ऑर्डर को फुलफिल ना करना ये कोर्ट के ऑर्डर की भी अवमानना है और हमारे साथ भी जुल्म है कि आप लोग हमको अननेसेसरी परेशान करते हैं और लाखों लोगों को सड़क पर ले आते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप ब्लिंकिट के सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स ने आज कंपनी के मधु विहार दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। राइडर्स का कहना है कि कंपनी जीएसटी चोरी करना चाहती है। पहले कैश ऑन डिलीवरी से आई नकदी को कंपनी के खाते में सीधा जमा कराया जाता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं वे अपने खाते में जमा कर यूपीआई करते हैं। आपको बता दें कि राइडर्स का आरोप है कि कंपनी सरकार का जीएसटी चोरी करने की नीयत से ऐसा कर रही है। राइडर्स के विरोध करने पर कंपनी ने सभी सैकड़ों राइडर्स का जो ऑर्डर आईडी है उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लिंकिट ऐप के साथ काम करने वाले सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स की आईडी ब्लॉक होने की वजह से उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, न ही कैश ऑन डिलीवरी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसी कड़ी में आज सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स कंपनी के मध्य स्थित दफ्तर पहुंचे और आईडी खोलने की मांग की, लेकिन जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो वे नारेबाजी करने लगे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और सभी राइडर्स को थाने में आकर शिकायत करने के लिए कहा। सभी राइडर्स थाने पहुंचे और थाने के बाहर कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। राइडर्स का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी आईडी खोली जाए ताकि वे अपने काम पर लौट सके। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। सर जी, मैं एक ब्लैंकेट से जुड़ा हुआ हूँ और सर मैं एक राइडर हूँ और ये पहले जो कंपनी थी ग्रोफर के नाम से थी, जिसमें हमने जो ग्रोफर को इन्होंने जोमेटो में मर्ज कर दिया गया है। हमारी आईडी 50 रुपये की थी
जो इन्होंने हमारे को 50 से 25 रुपए आईडी कर दिए, जिससे कि हमने फिर भी इसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो हम जो है अब इसमें करने के लिए तैयार है। मगर इनकी टर्म कंडीशन एक और आ गई कि आप अपनी सीओडी जमा करोगे अपने अकाउंट से, जिससे कि हमारे अकाउंट की ट्रांजेक्शन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कौन सा अकाउंट आपका, कोई कंपनी ने खोल के? नहीं, कंपनी का नहीं सर, ये पर्सनल अकाउंट है मेरा। और पर्सनल अकाउंट के अंदर सर जी जो लिमिट होती है एक दिन की जो होती है हमारी, वो उससे ओवरड्यू जा रही है। एक दिन के अंदर हमारे पास 10,000 रुपये की समथिंग जो है हमारे पास वो आती है, 10,000 रुपये से एक दिन की 10,000 हो गई तो महीने की हमारे पे 3,00,000 हो गई और साल की 18,00,000 रुपये हो गई। 18,00,000 रुपये हमारे को RBI को कैसे बताया जाएगा कि ये पैसा हमारे पे कहाँ से आया? तो कंपनी ग्रोफर थी कंपनी, फिर उसने ब्लैंकेट हो गई। अभी इस पिछले संडे से सर ये कुछ और जोमेटो पता नहीं क्या बताया इन्होंने, हमें नहीं पता, हम तो उसमें काम कर रहे थे तो हम तो उसी को जानते हैं। अब इन्होंने COD लेना बंद कर दिया, जब से ये वहीं COD ले रहे थे। अब हमको क्या पता सर, ये COD जो कैश इनका आता है उसको हम क्यों जमा करेंगे अपने अकाउंट से? ये कह रहे हैं कि अपने अकाउंट से लेके अपने अकाउंट में डाल के जब जमा करो हमारे को, तो हम क्यों करेंगे सर इस चीज़ को जमा? ये है पूरा मैटर। तो वहीं सर्दियों के शुरू होते ही रैन बसेरे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। जो भी लोग सड़कों पर बेसहारा रहते हैं उन्हें भी रेस्क्यू टीम के माध्यम से यहां पर लाकर ठहराया जाता है। वहीं जब हमने पूर्वी दिल्ली के रैन बसेरों का जायजा लिया तो देखा कि लोगों के लिए खाने और सोने की सुविधाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी भी नजर आ रही है। साथ ही बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोगों के लिए गर्म पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं कुछ केयर टेकर्स का कहना है कि पुलिस गार्ड की व्यवस्था नहीं है, अगर कभी रात को कोई हंगामा होता है तो उससे खुद निपटना पड़ता है, क्योंकि यहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, केवल केयर टेकर को ही हालातों को संभालना होता है। दिल्ली के अंदर जितने हैं सारे ही हैं, 4 रसोईया हैं दिल्ली के अंदर, अच्छे पात्र का खाना आता है। अच्छा। जी क्या क्या मिलता है खाने? यहां पे दाल चावल रोटी यही सब होता है। नहीं, उन्होंने लिया ही मना कर दिया। अब जैसा भी वहाँ से आता खाना हम तो वही देंगे। बाकी ये लोग टेंट में जाते हैं तो वहाँ से खाना अपना खाते हैं, तो यहाँ से कम ही लेते हैं। दोनों टाइम आता है खाना, सही है। सुबेरे हाँ आती है, एक टाइम चाय आती है सुबेरे, नहीं दिक्कत नहीं होती है। ठंडे जो आ गए ठंड बढ़ेगी, हाँ पानी जमने लगेगा, फिर दिक्कत नहीं होती। गर्म कर लेते हैं, रात 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 है। यहाँ पर 30-40 लोगों की व्यवस्था हो सकती है, अभी फिलहाल 12-15 लोग आ रहे हैं। पहले 15 रह रहे थे, तो उसके बाद में लोग क्या कहते हैं बढ़ने चालू हुए थे, फिर कुछ काम धंधा है नहीं तो लोग कुछ घर चले गए। और उनके लिए दोनों टाइम खाना वाना दोनों टाइम आता है, सुबह चाय नाश्ता आता है इन लोगों के लिए, कभी पोहा कभी सैंडविच वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं इनके लिए खाने के लिए। उनके लिए व्यवस्था ये है कि जैसे रेस्क्यू की रात को गाड़ी घूमती है रेस्क्यू टीम, तो वो उठा करके उनको रैन बसेरे में सुलाया जाता है, क्योंकि रैन बसेरे जिनके अंडर में है सारे एक ही NGO के अंडर में है, तो वो इनको सुलाते हैं ले जा करके किसी भी सेंटर में, जैसे हेड केवर के पास है, GTV के पास है, तो लोगों को छोड़ देते हैं, रात को रेस्क्यू वाली गाड़ी घूमती है। 15 बेड है, 15 लोग को अभी ज़्यादा नीचे कर देते हैं। नीचे व्यवस्था पूरा फुल है, नहीं गर्म पानी तो नहीं है, जो पानी दिल्ली जल बोर्ड का आता है उसे नहाना था। हाँ तो बाकी हमारे तरफ से वो जो टेंट लगती है तो उनको यहाँ उसमें एडजस्ट किया जाता है। नहीं नहीं अब तो फिर पहले कुछ था, लेकिन अब तो सही है, खाना दोनों टाइम अच्छे आते हैं, सही है, बदल के आते चेंज हो जाता है वो, तो कभी खिचड़ी आती है तो कभी दाल चावल है, कभी रोटी सब्जी है। कई बार ऐसा होता है भाई पी खा के बंदे लड़ाई कर देते, उसके लिए अगर ज़्यादा है तो हम लोग समझाते हैं, जब नहीं समझते तो भाई उनके लिए तो बुलाना पड़ता है गार्ड वार्ड। मैडम बहुत बढ़िया सुविधा है, सब चीज़ टाइम पे मिल रही है यहाँ पे, कोई ऐसी वाली बात नहीं। देखो खाने की सुविधा है, नहाने धोने की है, सोने की व्यवस्था, TV भी लगा हुआ, पानी की सब चीज़ की सुविधा है मैडम। जब से देखो ये रैन बसेरा हमारा, जब से हम आए ना तब से तो अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। क्या इससे पहले 5 साल तो मेरे को ड्यूटी करी होगी यहाँ पे मैडम। देखो गर्म उसको तो नहीं है, अगर हमने रोड ला के रख रखी थी पानी की, तो ये लोग भी माने नहीं करते कि आपने रोड लेके पानी गर्म करके नहा सकते हो। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष RC जैन ने दिल्ली सरकार से आग्रह करते हुए 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस रिवाइजमेंट देना शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि जैसा कि दिल्ली सरकार ने इस आश्रय पर एक हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट में भी दिया था, जब DDA से लैंड में चलने वाली कुछ स्कूलों ने हाईकोर्ट में 5% बच्चों की फीस के लिए गुहार लगाई थी। ऐसे में कई अभिभावकों के सामने बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कतें आ रही, जिसको लेकर दिल्ली सरकार से भी अनुरोध किया गया है। मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत
भारत सरकार ने सभी हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में एक प्रोविजन रखा कि हर मान्यता प्राप्त स्कूल अपने यहाँ 25% बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा, जिसके तहत सरकार उनको रीइंबर्समेंट देगी जो भी सरकार का एक बच्चे पे खर्च होता है। पर समस्या उस समय खड़ी होती है कि वो 2010 में एक नियम लागू किया गया था, अधिकतर स्कूलों में बच्चे अब 8वीं पास कर चुके हैं, वो जब 9th क्लास में आते हैं तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि EWS का उनका कोटा ख़त्म हो जाता है। निजी स्कूलों में जब ऐसे बच्चों से फीस देने के लिए कहा जाता है तो माँ बाप के सामने बड़ा भारी संकट पैदा हो जाता है। या तो ऐसे बच्चे स्कूलों से बाहर निकल के सरकारी स्कूलों में जाए या फिर माँ बाप उनकी फ़ीस अदा करें। इसके लिए जब दिल्ली सरकार से इस बात की गुहार की गई, क्योंकि DDA लैंड में जो स्कूल चलते हैं उनके यहाँ 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो इससे पहले 25% कोटा था वो 20% रह जाता है, ऐसी स्थिति में 5% जो बच्चे DDA लैंड पर चलने वाले स्कूल हैं उनमें भी फीस देने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे स्कूलों ने जब दिल्ली सरकार से अपील की कि इनकी फ़ीस दी जाए, नहीं तो बाकी बच्चों के ऊपर इनका बोझ पड़ता है, तो उस समय ये मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने ये वायदा किया कि ऐसे बच्चों की हम फीस ऐसे स्कूलों को रिइंबर्स करेंगे, परंतु अभी तक 2-3 साल गुजर चुके हैं, सरकार इस बारे में कोई फैसला ले नहीं पाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों ने एक महिला से उसका मोबाइल झपट लिया। आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वारदात के वक्त वो अपने घर जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन बदमाश उसका फोन छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। शारदा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क इलाके में पैंट साफ करने के बहाने एक बदमाश ने युवक की जेब से 67,000 निकाल लिए। आपको बता दें कि पीड़ित राहुल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल राहुल घर पर जा रहा था और रास्ते में उसे एक युवक मिला जिसने कहा कि उनकी पैंट के पीछे कुछ लगा हुआ है। वह पैंट साफ करने लगा और इसी बीच बदमाश की जेब से रकम साफ कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। नॉर्थ ईस्ट इलाके के हर्ष विहार इलाके में एक दुकानदार पर लोग भड़क उठे हैं। आपको बता दें कि आधी रात को दुकान से सामान ना देने पर दो युवक ने दुकानदार के घर पर पथराव कर दिया। पीड़ित दिनेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दिनेश घर के नीचे ही किराने की दुकान चलाता है। रविवार की रात 12:30 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने बाहर देखा तो इलाके के रहने वाले बिलाल और फिरोज खड़े हुए थे। दोनों दुकान खुलवा कर सामान मांग रहे थे। जब दिनेश ने मना किया तो दोनों ने उसके घर पर पथराव किया। दिल्ली में लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, चाहे वो कार हो या फिर स्कूटी, ऑटो हो या फिर बाइक, सभी इलेक्ट्रिक होता जा रहा है। इसके साथ ही इनकी बैटरी में चार्ज करने की समस्या भी देखने को मिल रही। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट तो बना दिए गए हैं, अब यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। कलकडुमा में पिछले महीने शुरू हुआ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, जहां अब कई लोग इसका इस्तेमाल कर अपनी गाड़ियों की बैटरी को चार्ज करने के बजाय यहां से पहले ही चार्ज बैटरी लेते हैं और अपनी बैटरी यहां पर चार्जिंग के लिए छोड़ जाते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे ऑनलाइन ही भरने होते हैं और उन्हें ये बैटरी मिल जाती है। इस पर लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी ऐसे स्टेशन काफ़ी कम हैं, इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। पहले पानी वाली बैटरी थी, उसमें हम 120 रुपये देते थे। उसमें क्या होता है कि 2 घंटे दिन में भी लगानी पड़ती है चार्जिंग, 2 घंटे लगानी पड़ती थी। अब इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, जितना चाहे उतनी चलाओ। अगर आपको ज़्यादा चलानी है तो फिर 200 रुपये का पड़ेगा, 200 में आप 2,000 रुपये रोज कमाएंगे। फायदेमंद है। हाँ, तो अभी यहाँ पर एक ही स्टेशन है ये या और भी? नहीं, यहाँ पे स्टेशन एक है मगर सेलमपुर में नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सेलमपुर में करीब 40-50 गाड़ियाँ हैं। तब एक मशीन यहाँ पे है, एक शादरा में है, वहाँ पे लोड जाता है। ये कड़कडूमा कोर्ट के पास है। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसमें हम लोग पैसा देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, उसके बाद 3600 रुपये डिपॉजिट कराते हैं वहाँ पे, हफ्ते का 1200 रुपये कटता है, अपना बैटरी चेंज करा उसी में कटता है, पर डे 150 रुपये लगता है। तो यहाँ पे सिस्टम मिलता है, कोड मिलता है, जो ये जो ढक्कन है ना, अच्छा, इसी से प्रोसेसिंग होता है। ये नहीं रहेगा तो फिर नहीं मिलेगा ये नहीं। ये हाँ, ये रहेगा डालो वहाँ पे, बैटरी ख़त्म हो जाता है तो मिल जाएगा फिर कुछ। मतलब यहाँ पे कड़कड़ूमा में हो गया और शादरा मेट्रो स्टेशन हो गया, लक्ष्मी नगर में, मंगल बाजार में हो गया, अशोक नगर में हो गया, मयूर विहार Phase 1 में हो गया। फ़ायदेमंद तो है बट इसका भी 45 है, कंपनी में 60 करा दे, कंपनी 60 करा दे एवरेज तो और अच्छा हो जाएगा। अब वो घंटे चल जाती है, कितने किलोमीटर? 45 चल जाता है किलोमीटर। अच्छा। तो हम लोग 40 पे एक्सचेंज करा लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।